नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस के वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस के वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर दिस इक्वल टू जीरो, हैव नो जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन एक्स वाई जेड, देन एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये अपने को बताना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेल की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, डेल की वैल्यू जीरो, डेल हो जाएगा वन थ्री टू के के फोर थ्री माइनस टू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इलेवन। ओके तो जेड बराबर हमने लैम्डा लेट कर दिया तो अब अपने पास हो गया एक्स प्लस इलेवन वाई प्लस थ्री लैम्डा इक्व टू जीरो एंड थ्री एक्स, इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी इक्व टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई टू जीरो, इसको इक्वेशन हुआ फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक्स की फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने के बाद में एक्स की जो वैल्यू आएगी फाइव लैम्डा बाई टू एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा बाई टू एंड जेड इक्वल टू लैम्डा। ओके अपने कैलकुलेट करना एक्स इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है फाइव लैम्डा बाई टू, जेड की वैल्यू लैम्डा अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, फाइव अपॉन वन बाई टू एंड वन बाई फोर, फोर ऊपर चला जाए यानी कि आ जाएगा फाइव इंटू टू यानी कि टेन, सो फाइनल आंसर इज द टेन, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट।